हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इस पैक का इस्तेमाल कर अपने स्किन की झाइयों वाली प्रॉब्लम को कैसे हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। इस पैक से आपकी झाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी फ्रेंड्स। और अगर आपके स्किन में पिंपल वाली प्रॉब्लम है, या आपकी स्किन बहुत लूज़ है, या आपकी स्किन पे फाइन लाइंस बन गई हैं, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन बहुत डार्क है फ्रेंड्स, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी फ्रेंड्स, और बहुत ही सुंदर हो जाएगी। उड़द की दाल और मसूर की दाल हमारे घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है फ्रेंड्स, और ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, हमारे हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होती है। इस पैक को बनाने के लिए आप 2 चम्मच उड़द का पाउडर ले लें। फ्रेंड्स, आप घर पे ही इसका पाउडर रेडी कर लें। आप इसे अच्छे से पानी से साफ कर लें, उसके बाद आप इसे सूखने दें। उसके बाद जब सूख जाए तो उसे आप मिक्सर में अच्छे से पीस लें और पाउडर बना लें। आप इसे डेली फेस पैक के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इस पैक के इस्तेमाल से आपकी स्किन से झाइयों वाली प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप इसे डेली यूज़ करें। आप शाम में इसे अपने चेहरे पे 1 घंटे के लिए अप्लाई करें, और प्रॉपरली जब ये सूख जाए उसके बाद आप पानी से वॉश करें फ्रेंड्स। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ फ्रेंड्स 2 चम्मच उड़द का पाउडर। इस फेस पैक के इस्तेमाल से आपकी स्किन की रंगत बहुत ही ज़्यादा साफ़ हो जाएगी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। आपकी स्किन में अगर दाग धब्बे हैं, या अगर आपको पिंपल वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो भी ये पैक आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ मसूर दाल का पाउडर। आप 1 या 2 चम्मच मसूर दाल का पाउडर मिक्स कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब मैंने इसमें 4 छोटे चम्मच दही ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें मिक्स करने जा रही हूँ रोज़ वाटर। रोज़ वाटर भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, किसी भी पैक को बहुत ही ज़्यादा असरदार बना देता है फ्रेंड। दही से भी आपके स्किन में जो आपके पिगमेंटेशन वाली प्रॉब्लम हो गई है वो भी कम होता है फ्रेंड्स। और अगर आपकी स्किन में डार्कनेस बहुत ज़्यादा है, और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, या अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है फ्रेंड्स, तब भी आप इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाएगी इसके इस्तेमाल के बाद फ्रेंड्स। अगर आपको नींबू सूट करता है फ्रेंड्स, तो आप इस पैक में 1/2 कट करके लेमन ऐड कर दें। वो भी आपके स्किन में ये जो पिगमेंटेशन वाली प्रॉब्लम है, जो झाइयों वाली प्रॉब्लम है, उसे दूर करने में हेल्प करती है, क्योंकि उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो आप उसे ऐड कर लें, वो ज़्यादा जल्दी आपको अच्छे रिजल्ट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा फ्रेंड्स। इसे अच्छे से मिक्स कर लें फ्रेंड्स, और इसे 15 मिनट के लिए पहले रहने दें, उसके बाद इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करें फ्रेंड्स। किसी भी फेस पैक को यूज़ करने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लें, ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। इस पैक से आपको अपने चेहरे को 15 मिनट के लिए मसाज करना है फ्रेंड्स, लगाते हुए अच्छे से मसाज करें। मसाज हल्के हाथों से करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इससे स्किन में किसी तरह की डैमेज ना हो स्किन आपकी, और आप थोड़ा स्मूथ पेस्ट रेडी करना फ्रेंड्स, ताकि आपको मसाज करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। आप अगर मसाज करते हुए इस पैक का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, तो आपकी स्किन से झाइयों वाली प्रॉब्लम बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी फ्रेंड्स। इसे अच्छे से 1 घंटे के लिए सूखने दें। जब ये पूरी तरह से अच्छे से सूख जाए, उसके बाद ही आप इसे वॉश करें। वॉश करने के लिए आप फ्रेंड्स ठंडे पानी का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर ठंड के मौसम में यूज़ कर रहे हैं आप इसे, तो हल्के गुनगुने पानी से भी आप चेहरे को वॉश कर दें। और आप कोई भी एलोवेरा जेल आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप रोज़ वाटर अप्लाई कर सकते हैं। नेचुरल है फ्रेंड्स, इसलिए सेफ़ है। आपकी स्किन की टाइप कोई भी हो, अगर आपको ऑयली स्किन आपकी है, या ड्राई स्किन है, या अगर नॉर्मल स्किन है, आपकी स्किन टाइप कोई भी हो, आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और आपकी स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इस एक पैक से सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी फ्रेंड्स, अगर आप इसका इस्तेमाल रेगुलर करते हैं फ्रेंड्स। आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है, तो कम से कम 3-4 दिन में से एक बार ज़रूर यूज़ करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर लव। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ आपसे। बाय बाय फ्रेंड्स।